दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर किसी देश की आर्थिक हालत खराब है, स्पेशली ऐसे लॉकडाउन जैसे समय में, तो फिर वो देश पैसे छाप कर अपने लोगों में बांट दे तो? फिलहाल आज के समय में कई सारे देशों में लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस बंद पड़े हैं, जिनसे लोगों की इनकम कम हो गई है। तो फिर ऐसे समय पे किसी भी देश पैसा छाप कर लोगों में क्यों नहीं बांट देता? और क्या अगर कोई देश गरीब है तो फिर वो पैसे छाप कर लोगों में बांट देने से अमीर बन सकता है? और अगर ऐसा है तब भी किसी गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? ऐसे पैसे छाप कर लोगों में बांट देने के कंसेप्ट को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियकांत वगासिया और आप है फैक्ट फाइंडर्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में ये हेलीकॉप्टर मनी क्या है और इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। हेलीकॉप्टर मनी एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। इसमें देश की सेंट्रल बैंक पैसा छाप कर सरकार को देती है, जिसे सरकार अलग अलग तरीके से खर्च करती है। पहला तो ये कि डायरेक्टली आम लोगों में बांट देना होता है। इसमें ये पैसा न तो लोगों को सरकार को वापस लौटाना होता है और न ही सरकार को सेंट्रल बैंक को वापस लौटाना होता है। यह मूल रूप में आसमान में एक हेलीकॉप्टर के द्वारा पैसे गिराने का संकेत देता है, इसलिए इसे हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। लेकिन असल में आपको कोई ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। आज के डिजिटल युग में सरकार सीधे ही लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है, उसे ही हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। या फिर सरकार टैक्स कम करके भी सेंट्रल बैंक के पैसों का उपयोग कर सकती है। इसमें टैक्स घटाने की वजह से बिजनेस का ग्रोथ ज़्यादा होगा और रोजगारी बढ़ेगी, और ऐसे ही इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पैसे लोगों तक पहुँचेंगे। या फिर सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी, फॉर एग्जाम्पल किसी रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी, जिनसे रोजगारी बढ़ेगी और लोगों तक पैसा पहुंचेगा। इन सब में हेलीकॉप्टर मनी का बेस्ट डेफिनेशन डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना ही होता है। ये हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट मिल्टन फ्रेडमैन के द्वारा 1960 में पहली बार दिया गया था, जिसे बेन बर्नांके, जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनके द्वारा फेमस किया गया है। इस हेलीकॉप्टर मनी का बेसिक प्रिंसिपल है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन लाए, जिनसे गुड्स की डिमांड बढ़े और उनसे जीडीपी का ग्रोथ अच्छी तरह से हो पाए। ये सब बात तो हुई हेलीकॉप्टर मनी के बारे में और उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि एक देश है जिसकी आबादी 1000 लोग की है। उस देश में कार का एक शोरूम है जहाँ पर लिमिटेड स्टॉक्स में कार है, और उन देश में कुछ ही लोग साल भर में कार को अफोर्ड कर पाते हैं। अब उनकी सरकार नक्की करती है कि ज्यादा पैसा छाप कर लोगों में बांट दे। अब सबके पास पैसा आने की वजह से उस कार के शोरूम में कार की खरीदी के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। कार का स्टॉक तो सिर्फ 10 का ही है और खरीदने वाले 50-60, तो फिर उस कार की डिमांड बढ़ेगी और लोगों के पास फ्री का पैसा है तो फिर वो ज्यादा पैसे देकर भी कार की खरीदी करेंगे, जिनसे कार की प्राइस भी बढ़ेगी। ऐसा ही सभी चीजों के लिए लागू होगा, जिनसे महंगाई बढ़ती जाएगी, और ऐसी महंगाई बढ़ने से उनके देश के पैसों का मूल्य कम होता जाएगा। और अगर लोग ऐसा कुछ ना करें और सभी लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं, तो भी हेलीकॉप्टर मनी का प्रिंसिपल सिद्ध नहीं होगा। इसमें लोग खरीदी नहीं करेंगे तो डिमांड घटेगी, तो फिर सप्लाई पे असर होगा और उनसे मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, जिनसे बेरोजगारी बढ़ेगी। इस हेलीकॉप्टर मनी का लाइव एग्जांपल अफ्रीकन देश जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे में 2006 में ऐसे ही अनकंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किया गया था, जिनसे यूएस के $1 बराबर जिम्बाब्वे के $10 ट्रिलियन हो गया था, और हर 5 घंटे में चीजों के भाव डबल हो जाते थे। तो फिर इनसे काफी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। तो फिर सवाल ये आता है कि कब इसको यूज करना चाहिए? तो फिर अगर इसे उपयोग ना किया जाए तो ही अच्छा है, मगर आज के समय में अगर कोरोना वायरस की वजह से चीजें डिटोरिएट होती है और प्रॉब्लम्स होती है, जिसे अगर कोई कॉन्वेंशनल मेथड से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।